गुड इवनिंग बच्चों, हम पढ़ने जा रहे हैं प्रिपरेशन मेथड ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में हम प्रिपरेशन मेथड ऑफ बेंजीन के बारे में पढ़ेंगे। बेंजीन किस टाइप से बनाई जाती है? तो सबसे पहला मेथड है फ्रॉम सोडियम बेंजोएट। तो सोडियम बेंजोएट काम करवाएंगे डी कार्बोक्सिलेशन। फर्स्ट मेथड है बाई डी कार्बोक्साइलेशन ऑफ सोडियम बेंजोएट। तो सोडियम बेंजोएट कैसे क्या होता है बेटा, ध्यान से देखेंगे। कंपाउंड बना रहे हैं हम, देखो ये है सोडियम बेंजोएट, सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड। एक्चुअल में क्या है, सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड, इसे बोलते हैं हम सोडियम बेंजोएट। इसका हमें कराना है डी कार्बोक्सिलेशन। तो यहाँ पे हम डी कार्बोक्सिलेशन करवाएंगे NaOH प्लस कैल्शियम ऑक्साइड, इन दोनों की परचेज में करवाएंगे NaOH प्लस कैल्शियम ऑक्साइड। इस मिक्सर को हम कहते हैं सोडा लाइम, मिक्सर का नाम है सोडा लाइम। सोडा लाइम की परचेज में हम इसका क्या करवाएंगे, डी कार्बोक्सिलेशन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलेगी, ठीक है। कंपाउंड मिलेगा हमें बेंजीन, साथ में बाहर निकलेगी सोडियम कार्बोनेट। हमने लिया यहाँ पे सोडा लाइम लिया ना, तो सोडा लाइम लेने की वजह से यहाँ पे जो बाई प्रोडक्ट बना है वो है सोडियम कार्बोनेट। इसी टाइप से अगर हम फिनोल का रिडक्शन करवाते हैं, रिडक्शन ऑफ फिनोल, क्या कंपाउंड बनेगा ध्यान से देखेंगे। रिडक्शन ऑफ फिनोल, ये फिनोल है बच्चों, दिस द स्ट्रक्चर ऑफ फिनोल। अब इसका कराना हमें रिडक्शन। तो आप लोगों को पता होगा रिडक्शन हमेशा हम रिड्यूसिंग एजेंट की प्रेजेंस में करवाते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ लेंगे हम जिंक डस्ट, ये रिड्यूसिंग एजेंट है, ये रिड्यूस करेगी इसको, ठीक है। कंपाउंड बनेगा बेंजीन, बेंजीन बनेगी, और जो जिंक है इसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। जो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं वो जो ध्यान देखेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट का खुद का होता है ऑक्सीडेशन, इनका खुद का होता है ऑक्सीडेशन। और रिड्यूसिंग एजेंट जिस कंपाउंड से या जिस सब्सटेंस से रिएक्ट करते हैं, ये जिस सब्सटेंस से रिएक्ट करेंगे उसका करवा देंगे रिडक्शन। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो देखो ये जिंक है ना, इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगी और ये हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ जाएगा, क्या मिलेगी हमें, बेंजीन मिलेगी। सबसे सिंपल केमिकल रिएक्शन टू फॉर्म बेंजीन, फिनोल से बेंजीन बनाना सबसे सिंपल मेथड है। एक इम्पोर्टेंट मेथड पढ़ेंगे अब हम, फ्रॉम बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन, बेंजीन फ्रॉम बेंजीन डाई एजोनियम सॉल्ट। अब ये क्या चीज है, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान देंगे बच्चों। इसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी कहते हैं, क्योंकि इस बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से हम, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट से हम मोस्टली लगभग हर टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसिस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट क्या है, दिस इज, देखो ध्यान से, ये स्ट्रक्चर है बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट की, ये बेंजीन। डाइएजो का मतलब होता है नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, इसे बोलते हैं हम नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, ये है डाइएजो ग्रुप, ठीक है, ये डाइएजो ग्रुप है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन। और सॉल्ट है तो यहाँ पे हमने लिया बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड लिया हमने, तो यहाँ आएगा नेगेटिव, इस नाइट्रोजन पे आएगा प्लस, ये इसकी स्ट्रक्चर है, किसकी, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट की, ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है। इसका हम करवाएंगे रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में, H3PO2 की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे प्लस वाटर, कंपाउंड मिलेगा हमें बेंजीन।
ये बेंजीन हमें ऑब्टेन हो जाएगी। एन और एन जो नाइट्रोजन है वो किसके फॉर्म में रिलीज हो जाएगी, नाइट्रोजन गैस के फॉर्म में, ये नाइट्रोजन गैस बना लेगी। प्लस मिलेगा हमें नाइट्रोजन गैस और HCl प्लस H3PO3, ये बाई प्रोडक्ट है सारे के सारे, ये सारे बाई प्रोडक्ट है, मेन प्रोडक्ट बेंजीन। अब हम देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन फ्रॉम नॉर्मल हेक्सेन। नॉर्मल हेक्सेन से हम कैसे बेंजीन बना सकते हैं, नॉर्मल हेक्सेन टू बेंजीन। अब नॉर्मल हेक्सेन क्या है, ये है एलिफेटिक एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन से हम बनाएंगे बेंजीन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन से एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कैसे बनाया जाता है, सबसे सिंपलेस्ट मेथड है बनाने का नॉर्मल हेक्सेन और नॉर्मल हेप्टेन से। जब हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर पे, प्रेशर रखते हैं हम 10 to 20 एटमोस्फेयर, और कैटलिस्ट लेते हैं हम वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड, तो ये जो हेक्सेन है, देखो हेक्सेन है हमारे पास C6H14, मोलिकुलर फॉर्मूला लिखा है मैंने हेक्सेन का, ये हेक्सेन है बच्चा। इसको हम गर्म करेंगे 773 केल्विन पे, किसकी प्रेजेंस में, वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड की प्रेजेंस में कंपाउंड बनेगा बेंजीन। ठीक है, ये कंपाउंड बनेगा, ये एक रिएक्शन है। इसके अलावा और हम कैसे बना सकते हैं बेंजीन को, हम बना सकते हैं वुड्स फिटिंग रिएक्शन से। अब हम समझेंगे बच्चों वुड्स फिटिंग रिएक्शन क्या होती है, ध्यान से देखेंगे बच्चे आप, पढ़ने जा रहे हैं हम वुड्स फिटिंग रिएक्शन। वुड्स फिटिंग रिएक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें हम यूज करेंगे हेलो बेंजीन, हेलो बेंजीन की रिएक्शन करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम। तो दो मॉलिक्यूल ले लेंगे हम हेलो बेंजीन, तो हम यहाँ पर लेंगे ब्रोमो बेंजीन। तो ये फॉर्मूला है ब्रोमो बेंजीन का। 1 मिनट बच्चों, 1 मिनट। ये ब्रोमो बेंजीन है, इसकी रिएक्शन करवाएंगे हम सोडियम से। तो हमें कितने मॉलिक्यूल लेने थे बेटा, दो मॉलिक्यूल लेने थे ब्रोमो बेंजीन के, ये दो मॉलिक्यूल लिए हमने ब्रोमो बेंजीन के, क्या बाहर निकलेगा, NaBr बाहर निकलेगा इन द प्रेजेंस ऑफ इथर। इथर की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, इथर की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी और दो मॉलिक्यूल बाहर निकलेंगे, दो सोडियम यहाँ पे हम ले लेंगे, कंपाउंड बनेगा डाइफिनाइल, ये कंपाउंड बनेगा, ये है डाइफिनाइल प्लस NaBr, ये बाय प्रोडक्ट है, ये बाहर निकलेगा। तो इस टाइप से हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बना सकते हैं। अब एक इम्पोर्टेंट रिएक्शन देख लेते हैं, फ्रिडेल क्राफ्ट रिएक्शन। इससे भी हम बेंजीन के डेरिवेटिव बना सकते हैं, बेंजीन के डेरिवेटिव हम यहाँ बनाएंगे टोलुइन को। तो देखो कैसे बनाते हैं, ये हमने ली बेंजीन, बेंजीन का जो हायर मेंबर है उसे हम बोलते हैं टोलुइन। इसकी रिएक्शन करवाएंगे क्लोरोमीथेन से इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्राइड AlCl3, इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे, प्रोडक्ट मिलेगा हमें टोलुइन। इसे हम बोलते हैं मिथाइल बेंजीन भी बोलते हैं इसको, और इसका फेमस नाम है टोलुइन, टोलुइन। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, कौन सी रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बेंजीन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं। किस टाइप से करेंगे इसका हम डिटेल में अभी हम स्टडी करेंगे। ठीक है, अब हम पढ़ लेते हैं बच्चों केमिकल रिएक्शंस एरिन की, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस है जो एरिन शो करता है। तो देख लेते हैं बच्चों, तीन टाइप की है रिएक्शन शो करता है बच्चों। सबसे पहला है एडिशन रिएक्शन, ध्यान देंगे बच्चों। अब हम पढ़ रहे हैं बच्चों, ध्यान से देखेंगे आप लोग केमिकल रिएक्शंस ऑफ
केमिकल रिएक्शंस ऑफ बेंजीन। तो किस किस टाइप की केमिकल रिएक्शन शो करता है? पहला है बच्चों सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सेकंड है एडिशन रिएक्शन, और थर्ड रिएक्शन मेनली शो करता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इन तीन रिएक्शन को हमें डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है? जब किसी भी बेंजीन के मॉलिक्यूल में से एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन को हटा के उसकी जगह कोई दूसरा ग्रुप लगा देते हैं तो उसे बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन बता देता हूँ। ए रिएक्शन इन विच वन और मोर हाइड्रोकार्बन ऑफ द बेंजीन, इनको क्या करेंगे? रिप्लेस करेंगे। बेंजीन आर रिप्लेस्ड बाय अदर मोनो वेलेंट ग्रुप। मोनोवेलेंट ग्रुप के द्वारा अगर हम सब्स्टिट्यूट करवा देते हैं मोनोवेलेंट ग्रुप, तो इस टाइप की रिएक्शन को हम क्या कहेंगे? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहेंगे। तो बेंजीन में से एक हाइड्रोजन को हटाना है बेटा। बेंजीन की स्ट्रक्चर आप बच्चों को पता होगी, CH, 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 ये CH और ये CH, ये बेंजीन की स्ट्रक्चर। यहाँ डबल बॉन्ड लगाएंगे, यहाँ डबल बॉन्ड लगाया, यहाँ डबल बॉन्ड लगाया, ये हो गई बेंजीन की स्ट्रक्चर। आपको क्या करना है? या तो एक हाइड्रोजन को रिमूव करो, या तो किसी भी एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दो, उसकी जगह आप क्या जोड़ दो? कोई भी एक सब्स्टिट्यूट ऐड कर दो। तो जैसे यहाँ पे हमने हाइड्रोजन को हटाया और इसकी जगह हमने एक कोई ग्रुप ऐड कर दिया, सपोज हमने एक ग्रुप ऐड कर दिया Cl, तो ये क्या हो गई बेटा? इसकी बेंजीन की सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गई। ये बेंजीन की सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गई, मतलब हाइड्रोजन को हटाया, उसकी जगह हमने क्या ऐड कर दिया? Cl ऐड कर दिया। जैसे मैंने साइड वाला कार्बन हटाया, ये साइड का कार्बन हटाया, तो यहाँ पे जो बॉन्ड आएगा वो भी कैसे आएगा? देखो देखो, ये यहाँ पे लगा देता हूँ मैं Cl को, ये क्लोरोबेंजीन है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेटा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हेलोजिनेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में पहले पढ़ेंगे बेटा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही है हेलोजिनेशन रिएक्शन। तो हेलोजिनेशन रिएक्शन क्या होती है? मतलब एडिशन ऑफ हेलोजन, एक हाइड्रोजन को हटाएंगे उसकी जगह हम हेलोजन को ऐड करेंगे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। बेंजीन, ये स्ट्रक्चर बेंजीन की, इसकी रिएक्शन करवाते हैं बच्चों क्लोरीन से। ये क्लोरीन से रिएक्शन करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस, एनहाइड्रस AlCl3 या फिर FeCl3। यहाँ बच्चों आप ध्यान से देखेंगे, ये जो AlCl3 और FeCl3 है ना, ये लुईस एसिड है। क्या ये लुईस एसिड है? जिनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इसकी प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है और कंपाउंड बनेगा क्लोरोबेंजीन। क्या कंपाउंड बनेगा? क्लोरोबेंजीन, ठीक है। और साथ में HCl बाहर निकलेगा, मतलब यहाँ से एक हाइड्रोजन जाएगा, इधर से ये जो Cl और Cl है ये ऐसे बॉन्ड ब्रेक होगा, ये Cl यहाँ पे जुड़ जाएगा, और ये जो एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हुआ वो हाइड्रोजन इससे जुड़ जाएगा, इस क्लोरीन से। क्या बन जाएगा? HCl बन जाएगा, ये बाहर निकलेगा देखो ऐसे, और ये जो Cl है वो यहाँ अटैच हो जाएगा, ये क्लोरीनेशन हो गई। इसी टाइप से ब्रोमिनेशन भी हो सकता है, बेंजीन की रिएक्शन करवा देंगे किससे? ब्रोमीन से, ब्रोमीन। रिएजेंट सेम ही लेंगे हम, एनहाइड्रस AlCl3। अब देखो ब्रोमीन है ना, तो हम ले लेंगे FeBr3, ये ध्यान देंगे। ये भी क्या है? लुईस एसिड है, इसकी प्रेजेंस में रिएक्ट करेंगे, टेम्परेचर रखेंगे 310 केल्विन पे, तो रिएक्शन होगी और ब्रोमोबेंजीन मिलेगी। क्या मिलेगी हमें? ब्रोमोबेंजीन, ब्रोमो
बेंजीन, ये ब्रोमो बेंजीन की रिएक्शन। ठीक है, इसी टाइप से अगर हम एक्सिस में ले लेते हैं क्लोरीन को, ध्यान देंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, अब मैं बता रहा हूँ बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, बहुत बार परीक्षा में पूछी गई है ये बेंजीन। इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं क्लोरीन से, 6 क्लोरीन के मॉलिक्यूल लिए हमने, इसकी रिएक्शन करवाएंगे एन हाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में। ठीक है, डार्क कोल्ड में ये रिएक्शन होगी, डार्क और कोल्ड में रिएक्शन होगी, इसको गर्म नहीं करना है आपको, तो बनेगा आपके बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। क्या बनेगा? बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। ये बेंजीन हेक्सा क्लोराइड इस टाइप की स्ट्रक्चर बनेगी और 6HCl बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, इसको हेक्सा क्लोरो बेंजीन बोलो या हेक्सा बेंजीन हेक्सा क्लोराइड बोलो, दोनों एक ही है। पांच समझ में आई? अब ये जो बेंजीन हेक्सा क्लोराइड है ना, इसको गेमेक्सिन के नाम से भी जानते हैं, गेमेक्सिन इंसेक्टिसाइड है ये, इंसेक्टिसाइड मतलब इंसेक्ट्स को किल करने में काम आता है, केमिकल है ये, कीड़ों मकोड़ों को मारने की दवा है ये, कीड़े मकोड़े मारने की दवा है ये, गेमेक्सिन के नाम से या लिंडेन के नाम से भी इसको जानते हैं। ठीक है, लिंडेन के नाम से भी हम इसको जानते हैं। अब हम पढ़ेंगे बच्चों सल्फोनेशन रिएक्शन, जैसे अभी हमने हम क्लोरीनेशन पढ़ा है वैसे वैसे सल्फोनेशन रिएक्शन है, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। सल्फोनेशन रिएक्शन, सल्फोनेशन किसका बेटा? बेंजीन का, सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन मतलब सल्फोनिक ग्रुप ऐड करवाना है, सल्फोनिक ग्रुप होता है SO3 एच ग्रुप, ये बेंजीन रिएक्शन करवाएंगे इसकी हम कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड से, कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड से इसकी रिएक्शन करवाएंगे, तो ये देखो H और SO3H के अंदर कन्वर्ट होता है, H और SO3H के अंदर कन्वर्ट होगा ये जो है ना, ये इस टाइप से ब्रेक होता है SO3H, ये रहेगा आपका माइनस का पोर्शन, ये रहेगा आपका प्लस का पोर्शन, इस टाइप से ये ब्रेक होता है। ठीक है, ये रिएक्ट करेगा इस टाइप से, ये तो आपके कंपाउंड बनेगा, यहाँ पे SO3H ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाएगा, SO3H, ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड है, इसे कहते हैं बेंजीन सल्फोनिक एसिड। 1 मिनट बच्चों, यहाँ पे OH रहेगा, यहाँ नेगेटिव रहेगा चार्ज, ये चार्ज यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे चार्ज पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, तो ये ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाएगा और वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा, ये है सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन। नेक्स्ट रिएक्शन है नाइट्रेशन, नाइट्रेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ नाइट्रो ग्रुप, नाइट्रेशन किसका बेटा? बेंजीन का, बेंजीन की केमिकल रिएक्शंस पढ़ रहे हैं हम सारी की सारी, तो बेंजीन की रिएक्शन हम करवाएंगे नाइट्रेटिंग मिक्सर से। नाइट्रेटिंग मिक्सर क्या होता है देखो, नाइट्रेटिंग मिक्सर, नाइट्रेटिंग मिक्सर है कंसंट्रेट HNO3 प्लस कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड, इन दोनों के मिक्सर को हम बोलते हैं नाइट्रेटिंग मिक्सर। इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं, यहाँ हमने लिख दिया HNO3, ये कंसंट्रेट लेते हैं, एरो के ऊपर हमने लिख देंगे कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड, रिएक्ट करेंगे तो नाइट्रो बेंजीन मिलेगी, नाइट्रो बेंजीन, यहाँ पे NO2 ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाएगा, इसे हम बोलते हैं नाइट्रो बेंजीन, वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा। अब इंपॉर्टेंट रिएक्शंस पढ़ते हैं बच्चों, एरोमेटिक कंपाउंड में सबसे इंपॉर्टेंट जो रिएक्शन है बेंजीन के अंदर, सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, नेम रिएक्शन है और नेम रिएक्शन सारी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस होती है। कौन सी रिएक्शन है अब नेक्स्ट? फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन,
क्राफ्ट्स, रिएक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो एग्जाम में पूछी ही जाती है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है ये। मतलब अब हम क्या करेंगे, बेंजीन की रिएक्शन करवाएंगे। बेंजीन लिया हमने, इसकी रिएक्शन करवाते हैं अगर हम क्लोरोमीथेन से, इन द प्रेजेंस ऑफ अगेन एन हाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में, तो साथ में हमें इसको हीट भी देना है। टोलुइन बनेगी, क्या बनेगी, टोलुइन, ये टोलुइन है और प्लस HCl बाहर निकलेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, इसकी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। और बेंजीन किस टाइप की सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसी टाइप से अगर हम रिएक्शन करवाते हैं बेंजीन की, बेटा ये भी फ्रीडल का रिएक्शन ही है, इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं एसीटाइल क्लोराइड से, ये है एसीटाइल क्लोराइड, इसे बोलते हैं एसीटाइलेशन ऑफ बेंजीन। क्या कहते हैं, एसीटाइलेशन ऑफ बेंजीन, किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, फिर AlCl3 की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, एन हाइड्रस होता है। तो ये Cl H के साथ में रिमूव जाएगी, यहाँ से एक H बाहर निकलेगा और ये जो Cl है उससे जुड़ जाएगा, ये ऐसे HCl बाहर निकल जाएगा और ये जो ग्रुप है ना वो यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो जाएगा, इसे बोलेंगे एसिटोफिनोन, इस कंपाउंड का नाम है एसिटोफिनोन, COCH3 प्लस HCl, एसिटोफिनोन ये कंपाउंड बनेगा, एसिटोफिनोन। ये हमने पढ़ लिया बच्चों इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन, ठीक है। अब हम पढ़ लेते हैं सेकंड टाइप की केमिकल रिएक्शंस, जो बेंजीन सेकंड टाइप की केमिकल रिएक्शंस कहते हैं उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। सेकंड टाइप की केमिकल रिएक्शंस है बच्चों एडिशन रिएक्शन, ये अभी जो हमने रिएक्शंस पढ़ी थी सारी सारी कौन सी थी, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब हम पढ़ेंगे सेकंड टाइप की केमिकल रिएक्शंस जो कौन सी है, एडिशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन। बेंजीन कौन से टाइप की एडिशन रिएक्शन शो करती है, एडिशन का मतलब है बच्चों किसी भी मॉलिक्यूल को ऐड करवाना बेंजीन पे। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे फर्स्ट रिएक्शन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, अगर हम एडिशन करवाते हैं हाइड्रोजन का बेंजीन से तो क्या कंपाउंड बनेगा, साइक्लोहेक्सेन बनेगी, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ये बेंजीन, इसकी रिएक्शन करवाते हैं हम हाइड्रोजन गैस से। तो अब ये जो हाइड्रोजन गैस ऐड हो रही है इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन ऑफ बेंजीन, बेंजीन का हम रिडक्शन करवा रहे हैं। रिडक्शन का मतलब पहले मैंने बता दिया एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, और अब हाइड्रोजन किसकी प्रेजेंस में ऐड होगी, कैटलिस्ट की प्रेजेंस में ऐड होती है। तो यहाँ पे हमें कौन सा कैटलिस्ट लेना है, बहुत ही बढ़िया कैटलिस्ट है रेने निकल, रेने RANEY, रेने निकल, ये सबसे अच्छा कैटलिस्ट है, तो हम ले लेंगे रेने निकल। इसके अलावा और क्या ले सकते हैं, इसके अलावा अगर ये नहीं मिले तो पैलेडियम भी ले सकते हैं, ये नहीं मिले तो प्लेटिनम भी ले सकते हैं। कंपाउंड क्या बनेगा, कंपाउंड बनेगा आपके पास साइक्लोहेक्सेन, ये कंपाउंड बनेगा, ये साइक्लोहेक्सेन। मतलब हमने क्या किया, एरोमेटिक कंपाउंड को किसमें कन्वर्ट कर दिया, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को किसमें कन्वर्ट कर दिया, एलिफेटिक, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट कर दिया, एल्केन में कन्वर्ट कर दिया हमने। कौन सी है ये, साइक्लो है, एल्केन है, साइक्लोहेक्सेन। एक और इंपॉर्टेंट रिएक्शन देख लेते हैं बेंजीन हेक्साक्लोराइड की, जो अभी हमने रिएक्शन देखी थी वही सेम रिएक्शन है, वो एडिशन रिएक्शन में भी काम आ जाएगी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन पढ़ते हैं हम। थर्ड टाइप की जो केमिकल रिएक्शन जो बेंजीन शो करता है वो कौन सी है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन।
आपको पता है बेटा ऑक्सीडेशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, या फिर एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, या फिर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, चारों में से कुछ भी हो जाए ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है। देखो बेंजीन का हम ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है बर्निंग ऑफ ऑक्सीजन, ये भी होता है। तो अगर हम बेंजीन का कंप्लीट ऑक्सीडेशन कराएं, क्या कराएं, बेंजीन का कंप्लीट ऑक्सीडेशन, कंप्लीट ऑक्सीडेशन, वो आपको पता है बच्चों कंप्लीट ऑक्सीडेशन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ, किसकी प्रेजेंस में करवाते हैं बच्चों कंप्लीट ऑक्सीडेशन, किसकी प्रेजेंस में करवाते हैं हम, कंप्लीट ऑक्सीडेशन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अगर हम कंप्लीट ऑक्सीडेशन कराएंगे तो ये बर्न हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड की, इसमें C6H6 इसकी रिएक्शन करवाएंगे ऑक्सीजन से, मतलब कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब ये बर्न हो रहा है, मतलब इंजन बर्न हो रही है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। लार्ज अमाउंट में हीट एनर्जी रिलीज होती है, लार्ज अमाउंट में हीट एनर्जी रिलीज होगी, और जब कोई भी कंपाउंड कंप्लीटली बर्न हो जाता है तो क्या मिलते हैं हमें बेटा, क्या मिलेगा हमें कंपाउंड, कार्बन डाइऑक्साइड में गैस मिलेगी, साथ में वाटर के मॉलिक्यूल, और लार्ज अमाउंट में अभी हमने बताया था हीट एनर्जी रिलीज होती है। तो यहाँ पे जो हीट है डेल्टा एच की वैल्यू है -3000 किलो जूल पर मोल, इतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है, बहुत ज्यादा अमाउंट में ये एनर्जी रिलीज करते हैं कौन, बेंजीन, अगर बेंजीन का कंप्लीट ऑक्सीडेशन करते हैं तो। अब अगर हम पार्शियली या कंट्रोल ऑक्सीडेशन करें, किसका, बेंजीन का कंट्रोल ऑक्सीडेशन करते हैं, बी पोर्शन कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन, कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन का मतलब है ऑक्सीडेशन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में इसका ऑक्सीडेशन करवाएं बेंजीन का। तो ये बेंजीन लिखा हमने, इसकी रिएक्शन करवाएंगे हम ऑक्सीजन से, 9/2 मॉलिक्यूल लेंगे इसका, वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड में ही रिएक्शन होगी और मेलिक एसिड बनेगा, ये मेलिक एसिड है, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा CHCOOH, ये बनेगा मेलिक एसिड। इसको जब हम हीट करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा मेलिक एनहाइड्राइड में, तो ये मेलिक एनहाइड्राइड है CO, यहाँ पे ऑक्सीजन, ये CH CO, ये ऑक्सीजन, ये मेलिक एनहाइड्राइड में कन्वर्ट हो गया। बात समझ में आई आपको, नेक्स्ट पढ़ेंगे इम्पोर्टेंट ऑक्सीडेशन प्रोसेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑक्सीडेशन प्रोसेस, ध्यान से देखेंगे बच्चों, 1 मिनट, हाँ अब ध्यान से देखेंगे आप। कंप्लीट ऑक्सीडेशन तो हमने पढ़ लिया, पार्शियल ऑक्सीडेशन मतलब कंट्रोल ऑक्सीडेशन भी हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों ऑक्सीडेशन विद पोटेशियम परमैंगनेट। आपको पता है पोटेशियम परमैंगनेट भी एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसकी प्रेजेंस में अगर हम ऑक्सीडेशन कराते हैं तो क्या बनेगा, यहाँ से देखेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजीन विद KMnO4, KMnO4 की प्रेजेंस में इसका करवाना है ऑक्सीडेशन, ध्यान से देखेंगे बच्चों क्या कंपाउंड बनता है। तो हमने पता है बच्चों अगर एल्केलाइन केमिनोफोर है, क्या है हमारे पास में, एल्केलाइन केमिनोफोर है, तो उसे हम बोलते हैं बेयर्स रिएजेंट, क्या कहते हैं, बेयर्स रिएजेंट, एल्केलाइन KMnO4। एक्चुअल में क्या होता है, KMnO4 जो पिंक कलर का सब्सटेंस होता है, डार्क पिंक कलर के क्रिस्टल्स होते हैं, इसको पहले इसका एक्वा सोल्यूशन बनाना है, एक्वा सोल्यूशन बनाने के बाद में इसमें आपको ऐड करना है NaOH, ठीक है, NaOH भी ऐड कर सकते हैं, या इसकी जगह अगर हम माइल्ड बेस ऐड करना चाहे तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड हम ऐड कर सकते हैं, 10% सोल्यूशन हम लेंगे, क्या बन जाएगा, एल्केलाइन KMnO4 बनेगा, और इसी एल्केलाइन KMnO4 सोल्यूशन को हम बोलते हैं बेयर्स रिएजेंट, क्या कहते हैं, बेयर्स रिएजेंट, रिएजेंट,
और बेयर्स रिएजेंट किस काम आता है? हाइड्रोकार्बन में अनसेचुरेशन को चेक करने में काम आता है, अनसेचुरेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। अनसेचुरेशन का मतलब है डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन को चेक करने में काम आता है। लेकिन बेंजीन के केस में ये क्या करेगा, इसका ऑक्सीडेशन करेगा और बेंजीन को किस में कन्वर्ट कर देगा, बेंजोइक एसिड में। ये बेंजीन, बेंजीन है, इसकी रिएक्शन हम करवाएंगे, मतलब ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं, KMnO4। ये है एल्कलाइन KMnO4, ठीक है, मतलब इसमें KMH क्रिएट किया है, ये भी कर सकते हैं हम। और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का भी यूज करेंगे इसमें। टेम्परेचर रखेंगे 383 केल्विन, कंपाउंड बनेगा, मतलब इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, बेंजीन का ऑक्सीडेशन हो जाएगा और कंपाउंड बनेगा बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड कंपाउंड बनेगा। तो आपको एक बात ध्यान देने वाली है, यहाँ पे हमने क्या लिया है, टोलुइन लिया है, बेंजीन नहीं लिया हमने, टोलुइन लिया है, टोलुइन। तो टोलुइन किस में कन्वर्ट हो रहा है, देखो ये हाइड्रोकार्बन है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन किस में कन्वर्ट हो रही है, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड में, ये एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसका नाम क्या है, बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड है ये, ठीक है, बात समझ में आई आपको, ठीक है। एक और रिएक्शन पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन का, ही है ये पॉइंट, अगर हम टोलुइन का ऑक्सीडेशन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ रिएजेंट, अब हम यहाँ पर रिएजेंट लेंगे क्रोमिल क्लोराइड, ये टोलुइन है, टोलुइन, इसका हम करवा रहे हैं बच्चों ऑक्सीडेशन इन द प्रेजेंस ऑफ क्रोमिल क्लोराइड। ये क्या है, क्रोमिल क्लोराइड, CrO2Cl2, इसे बोलते हैं क्रोमाइल क्लोराइड या क्रोमिल क्लोराइड बोलो, क्रोमाइल क्लोराइड, इसकी प्रेजेंस में इसका हम क्या करवा रहे हैं बच्चों, ऑक्सीडेशन करा रहे हैं। तो ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा, कौन सा, एरोमेटिक एल्डिहाइड मिलेगा हमें, एरोमेटिक एल्डिहाइड, जिसे हम बोलते हैं बेंज एल्डिहाइड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड, बेंज एल्डिहाइड, बेंज एल्डिहाइड है ये, ठीक है, एरोमेटिक एल्डिहाइड है, क्या ये एरोमेटिक एल्डिहाइड। तो टोलुइन को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, एरोमेटिक एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर दिया। तो ये हो गए बच्चों रिएक्शंस, एक और इम्पोर्टेंट रिएक्शन पढ़ेंगे अब हम, रिएक्शन विद ओजोन, अगर ये ओजोन से रिएक्शन करता है कौन, बेंजीन, तो मतलब ओजोनोलाइसिस करवाना हमें, रिएक्शन विद ओजोन, रिएक्शन विद ओजोन, इसे हम क्या बोलते हैं, ओजोनोलाइसिस, ओजोनोलाइसिस मतलब एडिशन ऑफ, या रिएक्शन विद, इसको हम लिख देंगे रिएक्शन विद ओजोन। देखो ध्यान से देखेंगे किस टाइप से कंपाउंड बनेगा, ये बेंजीन है, ये बेंजीन, हम इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो CH 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 CH, और यहाँ पे CH, ये सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, सबसे पहले तो आप सिंगल बॉन्ड लगा लो और अल्टरनेटिव पोजीशन पे आपको डबल बॉन्ड लगाना है, ये अल्टरनेटिव पोजीशन डबल बॉन्ड लगाए, बेंजीन बन गई। इसकी रिएक्शन करानी है हमें ओजोन से, ओजोन से रिएक्शन करवाएंगे CH2Cl2 डाइक्लोरोमीथेन की प्रेजेंस में, 196 केल्विन पे रिएक्शन होगी। तो देखो हमें किस टाइप से इसको रिएक्शन करवानी है, क्या प्रोडक्ट बनेगा, ध्यान से देखेंगे आराम से समझ में आएगा। तो सबसे पहले तो आप बना लेंगे इस टाइप से कार्बन और हाइड्रोजन, ये कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन, ये कार्बन हाइड्रोजन, यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन और यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन, यहाँ पे एक बेंजीन का मॉलिक्यूल ऐड करवाना है। तो देखो बेंजीन का मॉलिक्यूल, तीन बेंजीन के मॉलिक्यूल काम आएंगे, इस टाइप से स्ट्रक्चर बनानी है आपको। यहाँ पे थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूँ ताकि आपको आराम से दिखे,
यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ेगी, ऑक्सीजन जुड़ेगी इस टाइप से। इसमें भी आपको ऐसे ही बनाना है, ये ऑक्सीजन जोड़ो आप, ऑक्सीजन, और ये ऑक्सीजन यहाँ से जुड़ जाएगी। अब यहाँ पर भी ऐड करो ऐसे, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, और यहाँ पे करो ऑक्सीजन। इस टाइप से आपको स्ट्रक्चर बनानी है। अब आपको क्या करना है, इसकी रिएक्शन करवानी है, मतलब इसका रिडक्शन करवाना आ गया आपको। किसके प्रेजेंस में होता है, जिंक और वाटर की प्रेजेंस में। अब जो ये जिंक है ना, किसके फॉर्म में बाहर निकलेगा, जिंक ऑक्साइड के फॉर्म में बाहर निकलेगा। अब बॉन्ड को ब्रेक कराना हमें, बॉन्ड को देखो ब्रेक कराएंगे, ध्यान से देखेंगे। ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा, ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा, इसी टाइप से ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा, ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा, ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा, ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा। कंपाउंड देखो क्या बना है, ध्यान से देखेंगे। कंपाउंड आपके सामने है, एक तो ये बना है CHO, एक ये बना है CHO, ये CHO, और ये CHO। अब देखो यहाँ पे देखो एक बॉन्ड भी है, अभी भी अभी एक बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड है। तो कंपाउंड जो बनेगा वो है CHO सिंगल बॉन्ड CHO। इसके मॉलिक्यूल कितने बनेंगे, देखो ये तीन मॉलिक्यूल बनेंगे इसके, थ्री मॉलिक्यूल। इसको हम क्या बोलते हैं, ग्लाई ग्लाई ऑक्सल, ग्लाई ऑक्सल बोलते हैं इसको, ठीक है। ये कंपाउंड बनेगा। अब हम सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट पढ़ेंगे बच्चों, मेथड्स ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक, मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूट रिएक्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, मैकेनिज्म हम पढ़ने जा रहे हैं, मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जो अभी हमने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ी थी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो। इसका हमें क्या पढ़ना है, मैकेनिज्म पढ़ना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इसको आपको अच्छे से समझना है। तो ये आज का वीडियो लेक्चर हम यहीं पे समाप्त करते हैं बच्चों। ये नेक्स्ट पॉइंट रहेगा हमारा, जल्दी इस पॉइंट को हम कवर करेंगे, सारे वीडियो लेक्चर आपको मिल जाएंगे, कंटिन्यू आप देखेंगे। और वीडियो लेक्चर अगर आपको समझ में आया बच्चों, तो लाइक करके जाएंगे, शेयर करेंगे अपने दोस्तों में, और सब्सक्राइब करेंगे, ताकि आपको नए नए वीडियो इसी टाइप से आपको मिलते रहें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, गुड नाइट।